हेलो गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है वो एक प्रोडक्ट का रिव्यू है और इस प्रोडक्ट ने मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं। लॉकडाउन हो या लॉकडाउन के बाद या पहले, किसी भी सिचुएशन में इस मशीन ने मेरी बहुत 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 मदद की है। और इस मशीन का नाम है मेरे IFB डिश वॉशर। तो जैसा कि आप इसका नाम देख सकते हैं, ये है IFB का नेपच्यून VX। और ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा इसका डिस्प्ले है जो कि पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। बहुत ही आसान मशीन है ये यूज़ करने में भी। और इसकी साइज़ अगर आप चाहें देखना तो आप देख सकते हैं, ये करीब करीब पूरा एक वॉशिंग मशीन साइज़ की मशीन है। तो आपको इतनी स्पेस चाहिए इसके लिए, जिसमें कि एक वॉशिंग मशीन एडजस्ट होती है तो उतनी, इसलिए हमने इसको यहाँ एडजस्ट किया है। और इसके अटैचमेंट के लिए आपको थोड़े से पैसे खर्चने पड़ेंगे। ऐसी एक सॉकेट लगानी पड़ेगी जिसको आप पावर प्लग बोल सकते हैं, जहाँ ये अटैच हो जाता है। और इसके वेस्ट वाटर को निकलने के लिए भी आपको ऐसी एक ड्रेनेज पाइप की ज़रूरत पड़ती है, जो इसके अंदर ऑलरेडी दी रहती है। तो आपकी ड्रेनेज पाइप अगर आपको छोटी चाहिए तो काम चल जाएगा, मगर अगर बड़ी चाहिए तो आपको फिर लगानी पड़ेगी। मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दोनों ही अटैचमेंट्स यहाँ ऑलरेडी मौजूद थे, तो हमने कोई भी चीज़ नहीं ऐड करी। अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ मशीन दिखती कैसे। ये देखिए, ये है वो जादुई मशीन। और मुझे लगता है मेरे घर का ये बेस्ट प्रोडक्ट है। ये देखिए, ये इसमें एक फर्स्ट ट्रॉली खुलती है, जिस ट्रॉली में आप यहाँ ग्लासेस लगा सकते हैं। मैं वो भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में आपको, पहले मैं आपको मशीन, खाली मशीन दिखा देती हूँ। तो ये ग्लासेस एरिया है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये दो बास्केट्स हैं कटलरीज के लिए, जैसे चाकू चम्मच वगैरह जो भी है आप इसमें डाल दो, ताकि वो इनकी ट्रॉलीज में फंस ना जाए। क्योंकि अगर वो ट्रॉलीज में फंसते तो इसके नीचे एक जो फ़ैन है, ये देखिए, ये नहीं मूव करेगा, तो आप पानी इसको मिल नहीं पाएगा वॉश करने के लिए। ये इसकी दूसरी साइड की, यहाँ पे आप कटोरियाँ वगैरह भी लगा सकते हैं। कांच के बर्तन हो, स्टील के बर्तन हो, एल्युमिनियम हो, प्लास्टिक के बर्तन एकदम चमक के निकलेंगे, मैं वो भी आपको दिखा दूँगी। ये इसकी बड़ी ट्रॉली है और इसमें हम लगाते हैं कुकर्स, फिर कढ़ाइयाँ, प्लेट्स वगैरह लगाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, इसमें प्लेट्स लगाऊंगी मैं, इनमें छोटी प्लेट्स लगाऊंगी मैं, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और इसके नीचे भी एक फ़ैन है, ये चेक कर लेना होता है लगाने के बाद कि वो चल रही है कि नहीं, कि कहीं कोई बर्तन की कुंडी वुंडी ना फंस जाए उसमें, तो फिर मशीन काम नहीं कर पाएगी। बस ये थोड़े से फ्लॉस हैं इसके, ये थोड़ा ध्यान रखना होता है और कुछ खास नहीं। ये जो आप कॉलम देख रहे हैं यहाँ खाली, इसके डोर पर, ये इसका डोर है, लिड है काफ़ी बड़ा सा। यहाँ पर मुझे ना तो कोई विम बार डालनी है, ना मुझे कोई डिटर्जेंट डालना है, यहाँ मुझे डालना है ये है IFB के साथ मिला हुआ डिश वॉशर टैबलेट। ठीक है, आप सिर्फ यही यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके इस तरह की टैबलेट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। इसकी कॉस्ट 750 रुपीज़ करीब है और इस मशीन की भी कॉस्ट राउंड ऑफ 34,000 है। और ये टिकिया जो है इसके अंदर निकलती है, जिसमें सॉल्ट मिक्स है, रिंस मिक्सड है और डिटर्जेंट भी मिक्स है। तो इसको मैं रैपर से निकालती हूँ और फिर यहाँ मैं इसको डाल देती हूँ इसमें, ठीक है, और ये बंद कर देती हूँ। आफ्टर दैट बस कुछ नहीं, आप इसको बंद कर दें और फिर ये काम करनी शुरू कर देती है। तो ये मशीन आप देख सकते हैं करीब करीब ऐसी नज़र आती है आपको, होपफुली अच्छी तरह से दिख जाए मशीन। तो ये है मशीन। अब मैं इसका फंक्शन दिखाती हूँ आपको। सो ये है इसका नेक्स्ट स्टेप। और अब मैंने इसमें सारे गंदे बर्तन लगा दिए, आप देख सकते हैं कि मैंने कितना बर्तन लगाया हुआ है। तो आवाज़ आई होगी क्योंकि मैंने कुछ चम्मच वगैरह ऐसे ही रख दिए। आप देख सकते हैं कितनी सारी कटोरियाँ हैं इधर, और इधर सारे ग्लासेस हैं जो मैंने इधर अरेंज कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन है ये, ऑलमोस्ट करीब 2 दिनों के। और मैं जब ये फुल होता है तभी मैं साफ करने के लिए लगाती हूँ। अब आप नीचे वाला देखिए, ये नीचे ट्रॉली है जिसमें कि मैंने सारे बड़े बर्तन, आप देख सकते हैं प्लेट्स कैसे लगाई हैं, और हर तरह के प्लेट्स हैं, प्लास्टिक, स्टील, कांच, सारे तरह के बर्तन हैं, एल्युमिनियम के, नॉन स्टिक के बर्तन, सारे बर्तन इसमें। बस इसमें अरेंज करना ही एक मेन वर्क है, जो अच्छे से आपको 10-15 मिनट में आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बड़ा चम्मच अंदर गिर गया है, क्योंकि मैंने इसको वो स्पून के पॉकेट में नहीं रखा था। अभी मैं इसको बंद कर दे रही हूँ, ये देखिए अंदर चला जाएगा। और ये इस तरह की, जैसे ये एजेस है, ये निकली नहीं रहनी चाहिए, फिर नहीं तो आपका डोर बंद नहीं होगा। तो आप इसको वापस अरेंज करके लगा दें, जिससे कि ये अच्छे से वॉश हो सके। और ये रही टिकिया, मेरे पास जो टिकिया है मैंने दिखा रही हूँ, ये अब मैं इसमें डालूँगी और इसको बंद कर दीजिए यूँ। ओके, नाउ
अभी इसका पावर प्लग ऑन कीजिए, पावर बटन है ये इसका, इसको मैंने ऑन किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग शो कर रहा है, ओके ये टाइमिंग शो कर रहा है, दैट इज़ 1.34। और ये है प्री, यहाँ पे टाइमिंग आपको दिखेगा, ये इतने टेम्परेचर पर वॉश करेगा। तो मुझे इतने टाइम के लिए इसको नहीं रखना है, समटाइम्स लाइट ऑफ होती है, तो लाइट ऑफ होने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको बीच में मशीन को कितनी भी बार खोल सकते हैं। तो मैं इसका यहाँ से प्रोग्राम चेंज कर रही हूँ, जैसे मैं प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा टाइम यहाँ चेंज होता जा रहा है। जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये देखिए 2 घंटा हो गया, अभी 2:58 है, और मुझे लगता है सबसे बेस्ट टाइम होता है ये 50 मिनट्स वाला। अगर आप इस पर डालते हो तो 50 मिनट्स में ये सारे बर्तन एकदम अच्छे से गर्म पानी में वॉश हो जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वॉश भी रिंस भी सब कर लेगा। अब मैंने इसका पावर बटन ऑन कर दिया और अब इस मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। वाइब्रेट करती है मशीन, साउंड हल्की सी होती है, ज़्यादा नहीं बट साउंड होती है। मैं अब थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि अंदर कैसे वॉश कर रहा है। नाउ इट्स डन, आप देख सकते हैं ये धुल चुके हैं मेरे सारे बर्तन। ये बहुत गर्म है अभी, इसको खोलना नहीं चाहिए था। आप ग्लासेस देखिए कितने क्लीन और ऐसा लग रहा है जैसे स्टरलाइज होके आए हैं बाहर। आप कोई भी बर्तन देखिए सब कितने शाइन कर रहे हैं। और ये रहा इसका सेकंड स्लॉट, यहाँ भी आप देख सकते हैं सारे बर्तन पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा जले हुए बर्तन जैसे ये, जैसे इसका बैक है ये सब क्लीन नहीं होता है, मगर आपका रेस्ट पूरा क्लीन हो जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं कॉपर का है इसका बैक, ये काफ़ी शाइन करने लगा, पहले ये बिल्कुल डार्क सा हो गया था बट ये शाइन करने लगा। तो इस तरह से इसमें सारे बर्तन आराम से साफ हो जाते हैं। अभी इसको खोलना नहीं है मुझे, ये बहुत हीटेड है वैसे एक्चुअली। अभी उन्होंने मुझे बोला था कि जब आप इस पर बर्तन वॉश करो तो कम से कम 30 मिनट के बाद ही इसको आप खोलना। तो देख सकते हैं ये बर्तन सारे साफ हो गए हैं। और ये था इस मशीन का कंप्लीट रिव्यू, होप आपको अच्छा लगा हो और आप भी इस मशीन को ख़रीदने के लिए मेरी तरह डेस्परेट हो जाएं। तो ये थी मेरी IFB नेपच्यून VX की रिव्यू, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।